वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम डैशबोर्ड्स कैसे लगाते हैं, चलिए देखिए कि आगे उसमें क्या कर सकते हैं हम। दिस इज़ द सेकंड पार्ट एंड आफ्टर दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग ऑन आवर नेक्स्ट एक्सेल प्रोजेक्ट्स। So keep watching, hit the bell icon and keep subscribe so that I can make you that amazing videos for you forever. Let's watch. तो चलिए शुरू करते हैं अपने डैशबोर्ड्स के साथ। पिछली वीडियोस में बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कि क्वेरी फंक्शन कैसे लगाते हैं और डैशबोर्ड्स, हम क्वेरी फंक्शन से डैशबोर्ड गूगल शीट में कैसे बनाएंगे। देखिए बेसिकली ये तो वैसे बहुत इजी है। सो क्वेरी फंक्शन, जिन लोगों को नहीं पता है क्वेरी फंक्शन के बारे में तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम डैशबोर्ड्स बनाना शुरू करते हैं। बेसिकली डैशबोर्ड हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास डेटा है, कुछ सेल्स डेटा है जिसमें हमारे पास ऑर्डर डेट रीजन रिप्रेजेंटेटिव आइटम यूनिट यूनिट टोटल सच एज मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए कि एक पिवट टेबल बना के थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या डैशबोर्ड्स में कर सकते हैं। तो मैं एक पिवट टेबल खींच लेता हूं और इधर पे मैं यहां पे रो से रो में ऐड कर देता हूं रिप्रेजेंटेटिव एंड देन कॉलम में ऐड कर देता हूँ आइटम्स और वैल्यूज में ऐड कर देता हूँ टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से हमारे पास एक डेटा आ गया है जिसमें एक रिपोर्ट आ गई है, ये एक समरी टाइप की। पर क्या है कि इसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैनेजमेंट को इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स की नीड होती है। जो रिपोर्ट पहले हमारी कई हजारों पन्नों की बनती थी, आजकल वो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट कर दी गई है। जैसे कि मैं चाह रहा था कि मैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करूं और यहाँ पे डेटा उस हिसाब से चेंज हो जाए और एक चार्ट उस डेटा को रिप्रेजेंट करे। तो वो ये सब हम क्वेरी फंक्शन के जरिए कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ रो को यहाँ से और तो अभी मेरे को फिल्टर लगाना है तो मेरे को यहाँ से लगाना पड़ता है यहाँ से, तो मैं इसका ये डेटा देख पा रहा हूँ किसी एम्प्लॉय का, जो कि बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए इसको डिलीट करते हैं, ये बेसिकली एक फर्क दिखाने के लिए है कि हम करने क्या वाले हैं। अब चलते हैं डैशबोर्ड्स के लिए। सबसे पहले कि जैसे मैंने क्वेरी फंक्शन में दिखाया था कि आपको मैं डेटा कैसे दिखा सकता हूँ, मान लीजिए कि हमें एक फिल्टर इफेक्ट क्रिएट करना है डेटा के लिए। तो हमारे पास ये डेटा है, मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय वाइज मैं सिलेक्ट करूँ और ये डेटा आपके सामने आ जाए। सबसे पहले एक सिंपल क्वेरी लगाते हैं, क्वेरी, और इसमें हम डेटा सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने डेटा चूज कर लिया है, देन इस पे मैं लिख देता हूं सिलेक्ट स्टार करके, ये मुझे सारा ही डेटा दे देगा। एक मैं लिखूंगा हेडर्स में, ताकि एक हेडर्स है इसमें, इसलिए। तो अभी मेरे पास सारा डेटा है, अब मुझे फिल्टर करना है रिप्रेजेंटेटिव के बेस पे। तो मैं क्या करूंगा, फिल्ट्रेशन के लिए एक बना लेता हूँ, एक डेटा वैलिडेशन का लिस्ट ऑप्शन है जिसको मैं यूज करता हूँ। थोड़ा सा बॉर्डर वॉर्डर दे के सजा भी लेते हैं इसको और यहाँ पे एक कलर थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, टूल्स में जाएंगे, नहीं डेटा में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट फ्रॉम रेंज। यहाँ पे हमें वो रेंज देनी है जहां से हमें उसकी लिस्ट मिलेगी। देखिए एक्सेल में यूनिक लिस्ट नहीं आती है, पर अगर आप गूगल शीट को यूज करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको यूनिक रेंज ही देगा, तो आप डायरेक्ट रेंज उठा सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया, डेटा में गया और मैंने ये रिप्रेजेंटेटिव का डेटा उठा लिया। पर देखिए मुझे रेप जो हेडर है इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं अपना डेटा टू से शुरू करता हूँ, C2 कॉलन सी। मैं इसमें लास्ट रो रेंज नहीं दूंगा, क्योंकि मान लीजिए मेरा डेटा कभी इंक्रीज होता है तो इसके लिए मैं उसमें नहीं दूंगा। ठीक है, सेव किया मैंने इसको। अब मैं जाके देखूंगा तो यहाँ पे मेरे एक लिस्ट आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि इसको कनेक्ट करना है अपने क्वेरी फंक्शन से। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार सब कुछ है, वेयर
कौन सा कॉलम है हमारे रिप्रेजेंटेटिव का, सी कॉलम है उधर, सी इक्वल टू, अब टेक्स्ट हमेशा कोटेशन मार्क में देते हैं, तो मैं फर्स्ट ऐसे ही लिख देता हूँ गिल, कि गिल का सारा डेटा दिखाए, अभी इसने गिल का दिखाया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे वेयर से ले रहा हूँ, ये गिल जो आ रहा है, इसको मैं इस सेल पे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये वही फॉर्मूला फीचर है, जैसे कि हम फॉर्मूला एक्सेल में करते हैं उसी तरह से। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों कोटेशन मार्क के बीच में एक इन्वर्टेड कॉमा दिया, एंड का साइन लगाया, सेल को सिलेक्ट किया, देन फिर एंड का साइन लगाया और फिर ये कोटेशन मार्क क्लोज किया। बेसिकली मैंने इस क्वेरी को इससे कनेक्ट कर दिया है। तो अब जब आप देखेंगे कि मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूं तो ये उसके हिसाब से मुझे डेटा दिखाता है। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंटेटिव का डेटा ले ही रहे हैं तो हमें रिप्रेजेंटेटिव की तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं। बेसिकली हम कॉलम दे सकते हैं, देखिए ए से लेकर जी तक कॉलम है हमारे डेटा में, तो हमें बेसिकली सी कॉलम नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए, तो हम स्टार की जगह ए बी सी डी करके भी दे सकते हैं। तो हमें सी कॉलम नहीं चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, सी नहीं चाहिए मैं हटा देता हूँ, ई कॉमा एफ कॉमा जी, तो मैं सी मुझे नहीं चाहिए, तो ये आपके पास। अब आप चेंज करेंगे तो एक अच्छा खासा फिल्टर इफेक्ट दे रहा है। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं इसी के साथ ही मैं एक चार्ट भी क्रिएट कर दूं। अब चार्ट में मेरे पास क्या क्या हो सकता है, देखिए रीजन है मेरे पास, आइटम है और टोटल अमाउंट है, तो मैं आइटम वाइज सेल्स को शो कर सकता हूं क्योंकि मेरे रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग रीजन्स में फैले हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आइटम वाइज सेल्स को चार्ट में डालना चाहता हूं, तो या तो मैं इसी डेटा को कनेक्ट कर सकता हूं, आप इसको एंड तक ले लीजिए सिलेक्शन में और देन इंसर्ट में जाके चार्ट लगा दीजिए। ठीक है जी, और फालतू डेटा इसमें से डिलीट कर दीजिए, एक ये चार्ट है जिसमें मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, आप क्या क्या नहीं चाहिए इसमें, मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर डेट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए आइटम चाहिए, पर अभी ये गलत पोजीशन में, मैं स्विच रो कॉलम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आइटम है बाइंडर पेन सेट डेस्क पेन सेट, इस तरह से लिखा हुआ है। अब यूनिट टोटल मुझे चाहिए, तो मैं बाकी सब यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो मैं यहाँ से इसको वापस वैसा कर लेता हूँ, पहले मैं इनको डिलीट ही कर देता हूँ, रिमूव यूनिट कॉस्ट रिमूव। अब आइटम्स जो मेरे आ रहे हैं, रीजन को हटा देता हूँ, तो फिलहाल मेरे पास आइटम्स अब वैसे ही आ गया है कि इतनी सेल हुई है, और डेटा लेवल दिखाना है तो मैं इसमें क्या करूँगा, कस्टमाइज में जाऊँगा, सीरीज में जाऊँगा, डेटा लेवल पर क्लिक करूँगा तो डेटा लेवल आ जाता है। ठीक है जी, अब मैं इसको चार्ट को ऊपर ले जाता हूँ, अभी ये 918 रुपए हैं, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ क्योंकि हमने उस चक्कर में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा मेरा चार्ट चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डेटा में जब भी हमें इस तरह से दिखाना होता है हम लोग चार्ट को आगे रख देते हैं और डेटा ठीक उसके पीछे या किसी और शीट पे भी रख देते हैं, और ये हम आगे खेलने के लिए इधर वो दे देते हैं, इसमें ये डेटा जनरेट करता रहता है आपका और ये लाइव रहता है आपका कनेक्टेड, तो आपका पीछे से अगर डेटा चेंज भी होता है तो अकॉर्डिंगली ये आपका काम करता है। तो यह है डैशबोर्ड बनाने का एक कॉन्सेप्ट विद क्वेरी फंक्शन। आप चाहें तो इसको मल्टी लेवल तक भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मल्टी लेवल का मतलब है कि मैं अपना, जैसे मैंने रीजन भी ले लिया फिल्टर में और पेन भी आइटम्स भी ले लिए, तो हम दो 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 लगा के उसको इसी तरह से ही कनेक्ट करते हुए बना सकते हैं डैशबोर्ड्स। ठीक है जी, तो बेसिक डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट इतना ही होता है। तो आज के लिए हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं।
देखते रहिए, अगली बार मैं आपको नई वीडियो के साथ आऊंगा एक्सेल और एडवांस एक्सेल के कुछ बहुत ही यूजफुल मेथड्स के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।